Good morning, student. It's your bio classes, and today we will discuss the last part of the animal tissue, that is nervous tissue. Previously, we already learned about the different types of the tissues, that is epithelial, connective, muscular, and today nervous tissue. अभी हम उसे learn करेंगे. See one thing, nervous tissue में कोई भी division नहीं है. Muscular tissue में 3 division थे, epithelial में 5. एंड कनेक्टिव टिश्यू में जो 3 डिवीज़न थे उसके सब टाइप्स भी प्रेजेंट थे. तो इट्स गुड फॉर यू कि इसमें कोई भी डिवीज़न नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. सी, नर्वस टिश्यू इज़ अ टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन आवर बॉडी विच इज़ कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन क्विकली. दैट मीन्स ये टिश्यूज जो है, टिश्यू में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये इंफॉर्मेशन को बहुत क्विकली ट्रांसमिट करते हैं. कहाँ से ट्रांसमिट करेंगे और कैसे करेंगे? फ्रॉम द ब्रेन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ब्रेन से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड द वाइस वर्सा, दैट मीन्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से ब्रेन की साइड में. ठीक है, ब्रेन की तरफ से बॉडी के पार्ट्स में और बॉडी की तरफ से ब्रेन के पार्ट्स में. इन दैट सेंस कि बॉडी जो भी एक्शन करता है, रिएक्शन करता है, वो ब्रेन को सिग्नल करेगा और ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को भी लेके बॉडी तक सिग्नल्स को सेंड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट जस्ट इमेजिन कि आपके लेफ्ट लेग में एंट बाइट हो रहा है. ठीक है, चींटी काट रही है. तो ये सिग्नल सबसे पहले वो न्यूरॉन्स जो नर्वस टिश्यू के सेल्स हैं वो उसे कैप्चर करेंगे, लेंगे एंड देन सेंड इट टू ब्रेन. ब्रेन के पास ये सिग्नल जब जाएगा तो ये ब्रेन सबसे पहले उसे इंटरप्रेट करेगा, एनालाइज करेगा कि वो किस टाइप का सिग्नल है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, इंजरीज है, पेन है, या फिर सम रिक्वायरमेंट्स जो भी बॉडी के ऑर्गन्स को चाहिए, रिक्वायरमेंट्स, इंजरीज, पेन जो भी है, तो उसे फुलफिल करने के लिए पहले सबसे ब्रेन क्या करेगा, सबसे पहले उसे एनालाइज करेगा, फिर इंटरप्रेट करेगा कि अब क्या करना चाहिए एंड देन कंक्लूड. वो कंक्लूड करेगा कि अब बॉडी को उस पर क्या रिएक्शन करना चाहिए. तो अगर लेफ्ट लेग में आपके चींटी काट रही है तो मे बी जो हैंड उसके पास में है, मे बी लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड है, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए लेफ्ट हैंड आपके लेफ्ट लेग के पास में है, तो ब्रेन पहला सिग्नल आपके लेफ्ट हैंड को देगा कि आप उस चींटी को हटा दो वहाँ से या उसे किल कर दो. एज ऑब्वियस है, हम दोनों में से कोई एक काम करते हैं तो अगर हम उसे मार देते हैं या हटा देते हैं, दैट इज़ द सिग्नल जो ब्रेन ने अभी दूसरे ऑर्गन को दिया और उस इंफॉर्मेशन पे बॉडी ने रिएक्ट किया. दैट इज़ द एक्शन इन अगेंस्ट रिएक्शन और रिएक्शन अगेंस्ट द एक्शन. ठीक है, ऐसा न्यूटन्स थॉट लॉ, एवरी एक्शन इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो अगर बॉडी किसी चीज़ का एक्ट कर रहा है तो उस पर रिएक्ट करना ज़रूरी होता है. तो ये काम नर्वस टिश्यू का होता है कि कोई भी सिग्नल को वो कैसे ले रहा है, कैसे ट्रांसमिट कर रहा है. नर्वस टिश्यू किस किस पार्ट में पाया जाता है? हेयर इज इट्स फाउंड इन अ नर्व्स. ऑब्वियसली न्यूरॉन्स के बने हुए हैं, तो जो नसें होती हैं, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज, इसकी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास ये नर्वस टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं. ओके, इट इज़ अ मेड अप ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल, दैट इज नर्व सेल और अ न्यूरॉन. उसे नर्व सेल कहते हैं या न्यूरॉन कहते हैं. ओके, ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्ट होके हमारे बॉडी में इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं. हेयर इट इज़ द फॉर्म पॉइंट क्या है, न्यूरॉन्स जब भी एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं. इस पॉइंट को थोड़ा रिमाइंड कर लीजिएगा क्योंकि अभी जब डायग्राम हम करेंगे तो इस पॉइंट का काफ़ी वैल्यू है. मतलब आपको साइनएप्स समझना है इस वर्ड में कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होता है तो कैसे इन्फॉर्मेशन को पास करता है. इट्स अ इंटरेस्टिंग पॉइंट और ये टॉपिक आपको क्लास 10 में भी पढ़ना है, तो अभी से ही इस टॉपिक को समझ लीजिए क्योंकि क्लास 8 में आपने इसका डायग्राम किया है, क्लास 9 में आप इसके टॉपिक्स को जान रहे हो और 10 में और ब्रीफली पढ़ोगे. ओके, नाउ डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक. हेयर इट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इट इज़ अ इलोंगेटेड सेल. इट इज़ अ टाइप ऑफ इलोंगेटेड सेल विथ अ सेल बॉडी. ये जो डायग्राम आप देख रहे हो इसमें बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं
वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं इसको. इट इज़ अ ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर दैट इज डेंड्राइट्स. ये डेंड्राइट्स देख रहे हैं, इट्स अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ब्रांच्ड है. इसमें एक ब्रांच निकला है फिर दूसरा तीसरा, मतलब देर इज़ अ सो मेनी ब्रांचेस. ये ब्रांचेस बताए गए हैं दैट इज डेंड्राइट्स. एंड द न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द बॉडी. ये न्यूक्लियस है सेल के सेंटर में जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, वैसा ही न्यूरॉन्स में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है. एंड द नर्व एंडिंग ऑफ द सेल्स कनेक्ट टू द सेल बॉडी. ये नर्व एंडिंग देख रहे हो, एक्सॉन टर्मिनल जिसमें लिखा हुआ है. सी एक्सॉन टर्मिनल जो है ये नर्व एंडिंग है, ठीक है, और इसे एक्सॉन कहते हैं. और ये जो पूरा का पूरा न्यूरॉन है ये 1 मीटर लॉन्ग हो सकता है. ये बॉडी का सबसे लार्जेस्ट सेल है, ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल जिसे कह सकते हैं हम लोग ये, क्योंकि इंफॉर्मेशन को एक पार्ट बॉडी से लेकर दूसरे पार्ट के तक पहुंचाता है, इस इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, तो काफ़ी डिस्टेंस मेंटेन करता है, काफ़ी दूर तक ये डिस्टेंस को मेंटेन करता है. ये इसीलिए लॉन्गेस्ट पार्ट है सेल है. स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में आपको डिफरेंट पार्ट्स जो अभी बताया गया दैट इज़ डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड सो ऑन सेल्स, यहाँ पे वो डिस्क्रिप्टिव वे में बताया गया है. सी डेंड्राइट्स जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स बताए गए थे, ब्रांच थे जो, ये ट्री लाइक एक्सटेंशन है, ये हाईली ब्रांच होते हैं, इसमें छोटे छोटे ब्रांचेस प्रेजेंट होते हैं. और ये ब्रांचेस इसलिए क्योंकि वो सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं. जितना ज़्यादा ब्रांच होगा उतना ज़्यादा वो सिग्नल को परसीव कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं इसलिए. और ये जो रिसीविंग होता है सिग्नल, ये केमिकल सिग्नल्स होते हैं, एक केमिकल सिग्नल को रिसीव करता है एंड देन उसको इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है, जो आप क्लास 10 में पढ़ोगे. और अभी मैं बेसिक टॉपिक बता दूंगी इससे रिलेटेड. एंड द केमिकल सिग्नल्स को सी हेयर इज़ अ पॉइंट, केमिकल सिग्नल को देन इलेक्ट्रिक सिंबल में पास करता है एंड सो ऑन. न्यूरॉन कैन हैव अ सिंगल डेंड्राइट्स, देयर इज़ अ फ्रैक्शन, सिंगल डेंड्राइट्स भी हो सकते हैं, मल्टीपल डेंड्राइट्स भी हो सकते हैं. डेंड्राइट्स इन सेंस की उसमें ब्रांचेस जो होते हैं वो मल्टीपल भी हो सकते हैं. ओके, नाउ द सेकेंड वन इज़ अ सेल बॉडी, जिसे हम सोमा भी कहते हैं. सेल बॉडी इज़ अ होल पार्ट, मैं डायग्राम में भी बता रही हूँ आपको. इसका मेन फंक्शन है इट मेंटेन द फंक्शनैलिटी ऑफ द सेल, ठीक है. मीन्स सेल बॉडी और न्यूक्लियस के बीच में जो फंक्शंस होते हैं, न्यूरॉन का न्यूक्लियस और सेल बॉडी के बीच में जो फंक्शन हो रहा है, इन दैट सेंस द केमिकल सिग्नलिंग, केमिकल सिंथेसिस एंड देन रिलीज, ये जो टॉपिक होता है ये इसे मेंटेन करता है. और ये सिग्नल के ट्रांसमिशन में कोई हेल्प नहीं करता, दैट जस्ट अ सिंथेसिस एंड द सिग्नलिंग, ये ट्रांसमिशन में हेल्प नहीं करेंगे, ये सिंथेसिस में ये और किस टाइप का केमिकल सिंथेसाइज करना है, कब करना है, ये सब काम जो है सेल बॉडी के अंदर होगा, सोमा के अंदर होगा. इट प्रोड्यूस प्रोटीन, ऑब्वियसली ये केमिकल सिंथेसाइज कर रहे थे, ये प्रोटीन का केमिकल होगा. और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में इससे वर्क के लिए सेंड किया जाता है. और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहेंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, जो आप चैप्टर सेल में पढ़ चुके हो. और हर एक सेल में ये सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं यूकैरियोट्स में, तो ऑब्वियस है इसमें भी वो प्रेजेंट रहेंगे और डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे. ओके, सी थर्ड वन दैट इज एक्सॉन. न्यूरॉन हैव अ वन एक्सॉन इन जनरल, ऑब्वियस, ठीक है, एक ही एक्सॉन होगा. और जब वो एक्सॉन टर्मिनल पे, एक्सॉन एंडिंग पे जाएगा तो वो ब्रांच्ड हो जाएंगे. सी इन अ पॉइंट्स इट इज़ अ लॉन्ग स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट द सेल बॉडी टू द टर्मिनल. टर्मिनल तक वो एक है एंड देन इट डिवाइडेड टू द नर्व एंडिंग, नर्व टर्मिनल्स में वहाँ तक वो कनेक्ट हो रहा है एंड देन लास्ट में वो ट्रांसमिट करेगा सिग्नल्स को बहुत दूर तक, फार अवे, ये बहुत दूर तक इसे सिग्नल करता है. इट कवर्ड विथ अ स्पेशल इंसुलेटिंग सब्सटेंस है, दैट इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ द माइलिन. माइलिन एक टाइप का प्रोटीन है जो उसे कवर अप करता है, ये इंसुलेट करता है. क्योंकि जब केमिकल सिग्नल इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट होंगे तो ऑब्वियस है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स थोड़ा बहुत भी हार्म कर सकते हैं
अदर सेल्स को, तो वो इंसुलेटेड होना ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक सिग्नल्स पास हो रहे हैं, एक दूसरे इंफॉर्मेशन को वो कहीं नहीं हैम्पर कर सके, एक दूसरी सिग्नल्स को कहीं भी इंटरप्ट ना करे, इसलिए ज़रूरी है कि वो इंसुलेटेड हो। जो भी सिग्नल चल रहा है, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल कि दो तीन सिग्नल एक साथ जा रहे हैं, तो अगर उनके बीच में गैप नहीं हुआ, इंसुलेशन नहीं हुआ, तो एक सिग्नल दूसरे सिग्नल को डिस्टर्ब कर सकता है, दूसरा तीसरे को, या दूसरा पहले को भी कर सकता है सिग्नल को डिस्टर्ब। इसलिए ज़रूरी है कि देयर इज़ अ इंसुलेशन, जो रैपिड जो ट्रांसमिशन है सिग्नल का, बहुत फास्ट जो ट्रांसमिशन होता है सिग्नल का, वो करने में हेल्प करते हैं। ओके, द फोर्थ वन इज़ अ स्वान सेल माइलिनेटेड शीट दैट कवर द एक्सॉन इज प्रोड्यूस अ स्वान सेल। स्वान सेल एक माइलिनेटेड शीट जो होती है, अपर कवरिंग जो अभी बताया गया इंसुलेटेड कवरिंग, उसके नीचे एक स्वान सेल प्रेजेंट होता है, और ये सिग्नल्स को ही यही सिग्नल्स को लेके आगे की तरफ पास करते हैं। द कम टू द डायग्राम, सी अभी तक जो पॉइंट्स बताए गए, हियर इज अ पॉइंट, डेंड्राइट्स अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर एंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जो भी सिग्नल्स बन रहे हैं न्यूक्लियस के पास, और ये स्वाम सोमा है, दैट इज सेल बॉडी, इस सेल बॉडी में जो भी सिग्नल्स फॉर्म्ड हो रहे हैं न्यूक्लियस के थ्रू, या प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है, जो भी हो रहा है ये सेल बॉडी में होगा, और यहीं से सिग्नल जो केमिकल्स हैं वो डेंड्राइट्स के थ्रू यहाँ पे स्प्रेड होंगे, और इसी स्प्रेडिंग प्रोसेस में सी यहाँ स्वान सेल प्रेजेंट है, जिसके ऊपर येलो कलर की माइलिनेटेड शीट आपको दिख रही होगी, और यहाँ से ये सिग्नल एग्जॉन एंडिंग तक जाएगा। एग्जॉन एंडिंग जाने के बाद यहाँ पे आप बल्ब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, गोल गोल सा, ठीक है। इस एग्जॉन एंडिंग में दूसरे न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स प्रेजेंट रहेगा, दूसरे न्यूरॉन का जब डेंड्राइट्स यहाँ प्रेजेंट रहेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ दूसरा न्यूरॉन है और दूसरा न्यूरॉन का डेंड्राइट्स है, तो ये सिग्नल फर्स्ट इस फर्स्ट न्यूरॉन से इस सेकेंड न्यूरॉन में पास करेगा, ठीक है। फर्स्ट न्यूरॉन से ये सिग्नल मिला और इसने सिग्नल को पास किया सेकेंड न्यूरॉन में। ये सिग्नल कैसे पास होगा, फर्स्ट न्यूरॉन का डेंड्राइट्स सिग्नल्स को लेगा और एग्जॉन एंडिंग तक पहुंचाएगा, यही एग्जॉन एंडिंग में सेकेंड न्यूरॉन का डेंड्राइट्स प्रेजेंट होगा और इस इंफॉर्मेशन को लेगा। होप सो टॉपिक समझ में आ रहा हूँ कि कैसे ये सिग्नल्स पास हो रहे हैं। मैं एक बार फिर से ट्राई कर लूँ, वेट अ मिनट। ये फर्स्ट न्यूरॉन है जैसे, ठीक है, ये फर्स्ट न्यूरॉन और ये सेकेंड न्यूरॉन, ये दोनों कनेक्टेड है। हेयर इज़ अ वाइट कलर शीट, बीच में वाइट शीट है, इसलिए मैं ब्लैक बोर्ड पे आपको बता रही हूँ। ये न्यूरॉन फर्स्ट न्यूरॉन है और ये सेकेंड न्यूरॉन है, इसका डेंड्राइट्स यहाँ है और एग्जॉन एंडिंग यहाँ है, ठीक है, और इसका भी डेंड्राइट्स यहाँ है, एग्जॉन एंडिंग यहाँ है। ओके कंप्लीट। फिर डेंड्रॉन से जब सिग्नल पास हो रहा है एग्जॉन एंडिंग में, जो डायग्राम में बताया अभी मैंने, तो एग्जॉन एंडिंग में ही दूसरे न्यूरॉन का ये डेंड्रॉन प्रेजेंट होगा, ये वाला डेंड्रॉन, ठीक है, और यही उसे कैप्चर करेगा, उसके बाद फिर एग्जॉन एंडिंग तक, सेकेंड न्यूरॉन के एग्जॉन एंडिंग तक पहुँचाएगा, जहाँ पे थर्ड न्यूरॉन प्रेजेंट होंगे। इट्स अ लाइक अ चेन, कि पहले न्यूरॉन ने लिया डेंड्राइट से और एग्जॉन तक पहुँचाया, फिर सेकेंड न्यूरॉन के डेंड्राइट से लिया, फिर एग्जॉन तक पहुँचाया, थर्ड न्यूरॉन के डेंड्राइट से लिया, फिर एग्जॉन तक पहुँचाया। ये सिग्नल है, चेन ऑफ द सिग्नल, कि कैसे वो सिग्नल्स पास होंगे। वेट अ मिनट, मैं आपको दूसरे तरीके से भी बता रही हूँ उस चीज़ को। हियर यू सी, ये इन्फॉर्मेशन कैसे कैरी ऑन हो रहे हैं, कि एक डेंड्राइट से ये इन्फॉर्मेशन लिया गया एंड देन एग्जॉन एंडिंग तक पहुँचाया गया, दैट इज़ द पार्ट, दैट इज़ द टॉपिक। हियर यू सी कि सिग्नल कैसे सेल बॉडी से ट्रांसमिट हो रहे हैं। हियर इज़ अ सेल बॉडी, और न्यूक्लियस के अंदर जो केमिकल फॉर्मेशन हो रहा है, उसी केमिकल्स को डेंड्राइट्स जनरेट कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू इसे माइलिनेटेड शीट और जो आपका स्वान सेल था उससे लेकर
एक्सॉन इंडी तक पहुंचा रहे हैं। ये डेंड्राइट्स है एंड ये एक्सॉन है। ओके, ये डेंड्राइट्स का हॉटस्पॉट है, ये एक्सॉन इंडी। इससे जो ट्रांसमिशन होता है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का, इतना फास्ट होता है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये इंफॉर्मेशन को बहुत फास्टली ट्रांसमिट कर सकता है। सो होप सो टॉपिक समझ में आया हो। सो नोट इट डाउन एंड लर्न वेल, बी हेल्दी एंड कीप स्टडी ऑलवेज। थैंक यू।